राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, वर्ष 2023 में पाप मोचनी एकादशी कब है, जानिए सही दिन और तारीख क्या है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है और पूजा विधि क्या है, एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। पाप मोचनी एकादशी समस्त पाप नष्ट करने वाली एकादशी कहलाती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरा पान, अहिंसा और अनेक घोर पापों के दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी की निंदा और झूठ बोलने से बचना चाहिए। दोस्तों, अब पूजा करने की विधि को भी जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें और पूजन करने के उपरांत भगवान को धूप, दीप, चंदन और फूल आदि अर्पित करके आरती करें। और पाप मोचनी एकादशी के दिन भिक्षुक, जरूरतमंद व्यक्ति, ब्राह्मणों को दान और भोजन अवश्य कराना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पर रात्रि में निराहार रहकर जागरण करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी पर पारण करने के बाद व्रत को खोलना चाहिए। दोस्तों, अब आपको बता दें कि साल 2023 में पाप मोचनी एकादशी 18 मार्च दिन शनिवार को मनाई जाएगी और व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 19 मार्च 2023 को सुबह 6:08 से लेकर सुबह 8:07 तक रहेगा और व्रत पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 8:07 और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च 2023 को दोपहर 2:06 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 मार्च 2023 को दोपहर 11:13 पर। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे।